आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स लाइन यूआई के बारे में। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सभी चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी यूआई डिज़ाइन की। तो देख सकते हैं इसका आइकन पैक वगैरह आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल रहा है वो सभी में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात किया जाए यहाँ पर डायल पैड, तो डायल पैड में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बस यहाँ पे एक वॉलपेपर मिल जाता है। और डायल पैड का जो लॉगो है वो थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आपके डिवाइस में MIUI 11 वाले नोटिफिकेशन पैनल को आप यूज करते हैं तो देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग में देख सकते हैं फिलहाल Redmi Note 8 में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे सर्च बार और टेक्स्ट में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। बट अगर आपके डिवाइस में कंप्लीटली MIUI 12 या MIUI 12.5 रन कर रहा है तो देख सकते हैं इसका जो सेटिंग का UI है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और भी चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर अबाउट फोन में जाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नीचे आपको बहुत सारे शेयर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका लॉक स्क्रीन है देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा एनिमेशन थीम है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बात रही यहाँ पे MIUI 12.5 कंट्रोल सेंटर की, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे चलते हैं, डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन, और हम लोग यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं MIUI 12 कंट्रोल सेंटर की। तो देख सकते हैं इसका कंट्रोल सेंटर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए आना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे। यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलेगा, जैसे कि स्पेस एक्स लाइन यूआई बाय कॉटेज, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको देखिए जो पासवर्ड है 109128, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर या कोई भी जिप एक्सट्रैक्टर ले लेना है, जैसे कि जेड अचीवर। उसके बाद आपको इस डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है। डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाने के बाद इस तरह से आपको क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पासपोर्ट बोला जाएगा। पासपोर्ट आपको यहाँ पे इस तरह से टाइप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ओके कर देना है और यह थोड़ी ही देर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये जो एप्लीकेशन है Xiaomi थीम एडिटर, पहले इसका नाम था एक्स है, अभी सी से कर दिया है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस तरह से ओपन करना, अलाउ कर लेना है। अलाउ कर लेने के बाद ध्यान रहे अगर आपके डिवाइस में कोई एड ब्लॉकर है तो उसे आपको कुछ समय के लिए डिसेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका MIUI वर्जन सेलेक्ट करना है कि 9.5 से डाउन है या ऊपर, अगर ऊपर है तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, डन, ब्राउज ए थीम। उसके बाद आपको यहाँ पे वो थीम का लोकेशन देना होगा जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद ओके कीजिए। ओके कर लेने के बाद यहाँ पे स्टार्ट, कोई भी एक रैंडम से ऐड आ सकता है, आपको ऐड देखना है। उसके बाद इस तरह से क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर लेने के बाद फिर से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश, फिर से ऐड आएगा, क्लोज कीजिए। क्लोज कर लेने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे आपको टैप कर देना है। ओके कीजिए। ओके कर लेने के बाद यहाँ पे रिसेंट ऐप जितना भी है सभी को अभी क्लोज कर दीजिए। स्वाइप अप कीजिए, थीम पे जाइए। थीम पे जाने के बाद यहाँ पे माय प्रोफाइल, उसके बाद थीम। थीम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो स्पेस एक्स लाइन यूआई देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई में पे टैप करना और अप्लाई हेयर इस तरह से कर देना है। अप्लाई करने के बाद भी आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। आपको सिंपली करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो डार्क मोड है इसे, डार्क मोड को आपको इस तरह से इनेबल कर लेना है, उसके बाद जाके थीम कम्प्लीटली वर्क करेगा, अदरवाइज आपके डिवाइस में वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।